लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह आपके साथ। न्यूज बुलेटिन के पिटारे में आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। जिलों की भी जरूरी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीतीश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर के लिया बड़ा फैसला। नगर निकायों में होगी बंपर बहाली। विधानसभा में 30 मार्च को हुए जबरदस्त हंगामे पर स्पीकर विजय सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। आज भी वाहन हादसों में 6 लोगों ने गवाई जान। नवादा व बेगूसराय में 11 लोगों की संदिग्ध मौतों से मची सनसनी। और कोरोना की वजह से पूसा कृषि विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा रद्द। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कोई सरकारी कर्मी की चुनाव के दौरान मौत हो जाती है तो सरकार मुआवजे में 30 लाख रुपए देगी। ये राशि मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर आज हुई कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग गई है। पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी में लगाए गए किसी सरकारी कर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को मुआवजे में 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार के नगर निकायों में बंपर बहाली आने वाली है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा चुकी है। दरअसल हाल ही में राज्य में नए नगर निकायों का गठन किया गया। इन नगर निकायों में प्रशासनिक व अन्य कार्यों के संचालन के लिए 4,503 पदों का सृजन किया गया। इस पर जल्द ही बहाली आने वाली है। नए नगर निकायों के लिए किए गए पद सृजन पर बिहार कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की भी बहाली होगी। इसके लिए 264 पदों का सृजन किया गया। इसे भी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। बता दें कि आज कैबिनेट मीटिंग में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको याद होगा विधानसभा में 23 मार्च को सदन की सबसे कलंकित करने वाली घटना हुई थी। विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर को उनके चैम्बर में घंटों बंद रखा। चैम्बर के आगे वो सब धरना पर बैठ गए थे। बाद में पुलिस ने सदन में घुसकर कई विधायकों को बुरी तरह पीटा था। और अब इस मामले में स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन की गरिमा को कलंकित करने वालों पर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आचार समिति उसको देखकर एक्शन लेगी। बिहार में शराबबंदी कानून की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग शराब पीकर मारपीट तो करते ही हैं, अब इससे उनकी जान भी जा रही है। ताजा मामला नवादा व बेगूसराय से जुड़ा है। नवादा में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में राम यादव, अजय यादव, शैलेंद्र यादव व उसका भांजा दिनेश सिंह उर्फ शक्ति प्रभाकर गुप्ता, ओम प्रकाश उर्फ लोहा ठठेरा, सोनू कुमार मिश्रा तथा गोपाल कुमार शामिल है। मृतकों के कई परिजनों का कहना है कि ये मौतें शराब पीने से हुई है। नवादा एसपी धूरज श्याली सावला राम ने शराब की वजह से हुई मौत मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है। दूसरी ओर बेगूसराय के बकरी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय राजकुमारी सहनी और 38 वर्षीय परमेश्वर चौधरी के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि इन दोनों की मौत भी शराब पीने से हुई है। बिहार में आज नवादा व बेगूसराय में हुई अचानक मौतों को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार सरकार को खरी खरी सुना दी है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने कहा कि जो लोग इस घटिया काम में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जिलों में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई है वहां के पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। और वो यही नहीं रुके, वरीय अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय करने की बात कही। कुछ अधिकारियों की बर्खास्तगी की भी बात कही उन्होंने। बिहार में आज फिर वाहनों की रफ्तार ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली है। खासकर गोपालगंज में होलिका दहन से लेकर के अब तक 3 बड़े हादसे हो गए हैं। आज फिर 3 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा गोपालगंज स्थित मीरगंज लाइन बाजार मुख्य पथ पर रुनियानी गांव के समीप हुआ। पेट्रोल टैंकर ने सवारी जीप में भीषण टक्कर मारी। जीप चालक समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं बांका जिले में भी वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई। घटना अमरपुर के निकट हुई। बता दें कि गोपालगंज में होली के दिन 2 तथा होलिका दहन के दिन 1 परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में कोरोना का दूसरा लहर अब अपना असर दिखाने लगा है। ताजा मामला समस्तीपुर स्थित पूसा कृषि विश्वविद्यालय का है। हॉस्टल में रह रहे 7 स्टूडेंट की जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे वहां हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। कुलपति डॉक्टर रामेश चंद्र श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लोग सतर्क रहे लेकिन डरे नहीं। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट 98% से भी ज्यादा है। उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। साथ ही वो कल IGIMS में कोरोना का टीका लेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा पंचतत्व में आज विलीन हो गई।
दिघा गंगा घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मंत्री नितिन नवीन ने दिवंगत मां को मुखाग्नि दी। दिघा घाट पर दाह संस्कार के समय कई मंत्री व विधायक समेत उनके समर्थक मौजूद रहे। मुखाग्नि के समय डोम राजा ने मंत्री से इसके लिए दिघा विधानसभा का टिकट तथा 1,00,000 रुपए की मांग की। बाद में 11,000 रुपए पर बात बनी। आपको बता दें कि मंत्री की मां मीरा सिन्हा कल दिल्ली एम्स में निधन हो गया था उनका। वो 2 महीने से बीमार थी। कल ही उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया था। नितिन नवीन ने अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुजफ्फरपुर में दर्जन भर कौओं की मौत से हड़कंप मच गया है। ये वाकया करजा थाने के रेपुरा में हुआ है। कौओं की अचानक मौत से इलाके के लोग दहशत में हैं। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पर जुट गए हैं। स्थानीय सतेंद्र कुमार सिंह, दीपक तिवारी आदि ने बताया कि लीची बगान में रह रहे कौए अचानक से अधिक शोर करने लगे। इसके बाद वो जमीन पर गिर कर छटपटाने लगे। लोग कुछ करते इससे पहले कौओं की मौत हो गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बहरहाल आप हमारे चैनल को देखते रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।